हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग भी इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2022 का दे रहे हैं तो दोस्तों ये फिजिक्स का पेपर है दोस्तों, इसका आंसर मिलाना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप लोग आंसर मिला लेते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि दोस्तों हमारा कितना सही हुआ है। तो दोस्तों देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कैसा है, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो दोस्तों सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता बताना है, ठीक है। दोस्तों पी बराबर 1/f पर ये फॉर्मूला पर बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्तों आगे मिलाते हैं, दो नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, दो नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन दबा लेंगे। देखिए तीन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, वर्ण विक्षेपण। जल्दी जल्दी हम बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। देखिए चार नंबर है कि दोस्तों, आकाश के नीले रंग का कारण कारण जो है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के चार कारण होगा। चलिए फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए। फाइव है हमारे पास, निम्न में कौन सी परिघटना प्रकाश का क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है? तो दोस्तों आपका जो फाइव का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कारण। चलिए आगे देखेंगे, सिक्स नंबर का आपका जो राइट आंसर होगा ना, सिक्स का दोस्तों ऑप्शन नंबर शून्य हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए सेवन है दोस्तों, सेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, सेवन शून्य हो जाएगा। चलिए एट नंबर क्वेश्चन देखिए। एट नंबर दोस्तों, इलेक्ट्रॉन साइक्लोन में किसी आवेशित कोण का आवर्तकाल जो टी तथा महत्तम चाल भी हो, तो उसका जो राइट आंसर होगा ना एट का जो ऑप्शन नंबर दोस्तों, इसका जो डाउट है दोस्तों, ठीक है, इसका डाउट है मेरा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा, देख लीजिए। चलिए नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए। नाइन नंबर जो है ना दोस्तों, नाइन का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखिए दोस्तों, दस नंबर क्वेश्चन, दस का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखेंगे, ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ग्यारह नंबर है ना, ग्यारह का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बारह नंबर क्वेश्चन देखिए। बारह ना दोस्तों, आप लोगों को खुशी की बात यह है कि दोस्तों सेंटअप एग्जाम है ना दोस्तों, 70 क्वेश्चन आ रहा है जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना है, ठीक है। फाइनल में भी इसी टाइप का एग्जाम हो सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि दोस्तों आपका 70 ही ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, 42 भी दे सकता है। चलिए आपका 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 16। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन। संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान करती है तो वो है, आपका जो राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभवांतर। चलिए आगे देखेंगे, 14 है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो दोस्तों आपका 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर है। किसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः N1 तथा N2 हो, तो इसका मान जो होता है ना N2 बड़ा हो जाएगा N1 से। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 हमारे पास, वायु में स्थित इकाई धनों आवेश में निकलने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान बताना है, तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा 16 का, 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों एप्सिलॉन इनवर्स होगा। चलिए आगे देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला देखिए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 आप लोग जल्दी से जल्दी मिला लीजिए कितना सही हुआ है। चलिए 18 का सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए, 19 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा किरण हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है दोस्तों 20 नंबर, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक बताना है, तो दोस्तों आपका 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य। चलिए आगे देखेंगे, 21 नंबर है। 21 का जो राइट आंसर होगा ना, 21 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मिलाते चलेंगे जल्दी से जल्दी। देखिए निकल क्या है, तो दोस्तों आपका जो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लौह चुंबकीय है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारे पास है दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग को इसलिए बताएं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सभी विषय का आंसर दिया जा रहा है दोस्तों ये चैनल पर। तो आपका जो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल 100% करेक्ट सही आंसर दिया जाएगा दोस्तों, आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। चलिए आगे देखेंगे सब 26 नंबर क्वेश्चन। 26 का जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 27 नंबर देखिए, 27 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 28 नंबर देखिए दोस्तों, 28 का जो राइट आंसर होगा ना, 28 का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 29 नंबर देखिए, 29 देखिए आपके फिगर दिया हुआ दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। 20 नंबर दोस्तों हम मोडेम हो सकती है जो युक्ति है जो प्रयुक्त होती है, तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 30 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, देखिए हमारे पास 31 नंबर है। 31 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 32 नंबर देख लीजिए, 32 हमारे पास है, वैद्युत
ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 32 का ऑप्शन, हम रेडी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देख, 32 33 नंबर देख लीजिए दोस्तों। 33 का जो राइट आंसर होगा, 33 का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर रेडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर रेडी हो जाएगा 24 वाट। चलिए आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर का आपका जो राइट आंसर होगा ना, 34 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 35 नंबर, 35 का जो राइट आंसर होगा, 35 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलिए दोस्तों 36 नंबर देखिए, 36 का आपका राइट आंसर, 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए अगला 37 नंबर, 37 का जो है ना अनुचुंबकीय पदार्थ प्रवृत्ति है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थिर होता है। चलिए अगला देखेंगे, अगला है 38 नंबर, डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित बताना है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए 39 का देखिए दोस्तों, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, 40 देखिए, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 41 है, पृथ्वी के चुंबकीय बेंच के यदि चुंबकीय सुई का होता है तो दोस्तों इस आवृत्ति अंग हो तो इसका मान ज्ञात करना है, तो आपका 41 का नंबर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, 42 हमारे पास है, तो 42 पृथ्वी चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान बताना है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जीरो होगा, यानी शून्य शून्य डिग्री। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला है 43 नंबर, 43 का देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। चलिए 44 नंबर देख लीजिए दोस्तों, 44 नंबर हमारे निम्नलिखित में किस अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का होता है, आपको सभी लोग को मालूम होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए 45 है, आंख के किस दोष में दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर होगा ना 45 का, 45 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, 45 का ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अवबिंदुकता। चलिए आगे देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, 46 देखिए दोस्तों, 46 हमारे पास है, दृश्य प्रकाश के रंग का कारण, तो दोस्तों 46 का ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका तरंगदैर्ध्य। चलिए 47 नंबर देख लीजिए, 47 का जो राइट आंसर होगा ना, 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगर हमसे कुछ भी गलती हो जाता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके अपना ऑप्शन बता सकते हैं, ठीक है, ये सही होगा, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर देखिए 48 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 49 नंबर देखिए दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ दोस्तों आपको सही आंसर दिया जाएगा, औसत आयु होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा 49 का। चलिए 50 नंबर देखिए दोस्तों, 50 नंबर है ना, 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, घटता है, क्या होगा, घटता है। चलिए देख लीजिए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 हमारे पास है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है ना, 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए दोस्तों 52 है, 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो दोस्तों चित्र आपके सामने दिया हुआ है, 53 का जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये जो राइट आंसर होगा 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 एम्पियर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन, 54 का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 वाट। चलिए आगे देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, 55 हमारे पास है, सेल का विद्युत वाहक बल का मापा जाता है, तो दोस्तों बताना है आपका 55 का राइट आंसर वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए आगे देखेंगे 50, 56 नंबर क्वेश्चन, 56 हमारे पास है, धातु का परावैद्युतांक बताना है, आपका जो राइट आंसर होगा ना 56 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए इन्फिनिट होता है। चलिए आगे देखेंगे अगला हमारे पास 57 नंबर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को यंत्र को कहते हैं, आपका 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डायनेमो। चलिए अगला है 58 नंबर, 58 हमारे पास, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वास्तविक मंडलता है। चलिए 59 नंबर देख लीजिए दोस्तों, 59 है, विनाशी व्यक्तिकरण पंथतर होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आपका 60 नंबर है, 60 का जो राइट आंसर होगा ना, 60 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊर्जा। चलिए 61 नंबर देखिए, 61 हमारे पास है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पड़ती है, तो आपका 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बामर श्रेणी। चलिए आगे बढ़ेंगे 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 हमारे पास है, निम्नांकित में, ठीक है, निम्नलिखित में से वेदन क्षमता बताना है, मत होती है, तो 62 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, गामा किरणें। चलिए आगे देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, 63 देख लीजिए दोस्तों, 63 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, सौ हर्ज। चलिए आगे देखेंगे HZ, सौ HZ यानी हर्ज। चलिए 64 देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र की त्वरित नहीं होती है, तो आपका जो 64 का राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यूट्रॉन होगा। चलिए 65 नंबर देखिए, भूत रंगों की आवृत्ति सीमा होनी चाहिए, तो आपका 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे, अगला हमारे पास है 66 नंबर, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ने से आवर्धन क्षमता क्या होता है दोस्तों, तो आवर्धन क्षमता तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, घटती है। चलिए आगे देखेंगे
58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर, 67 नंबर, सॉरी दोस्तों 67 नंबर है, 67 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 68 देख लीजिए, 68 का राइट आंसर होगा दोस्तों, 68 है, रेडियो सक्रियता का मात्रक है ताप का, 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्यूरी होगा। चलिए आगे देखेंगे, 69 नंबर तनुकरण को मापा जाता है, तो तनुकरण को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डेसीबेल में नापा जाता है। चलिए 70 नंबर देखिए दोस्तों, 70 नंबर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी होगा, कुचालक जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन दबा लेंगे, ठीक है, और आपको सबसे पहले आंसर की क्या आंसर की आपको मिला लेंगे, ताकि मालूम चल जाएगा दोस्तों का कितना सही हुआ है। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।